अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। यही दुआ करता हूँ आप लोग अपने घर में महफूज रहें। जैसे प्रीवियस क्लास में आप लोगों की असाइनमेंट थी लैंडस्केप, आई होप आप लोगों ने ये सब चीज़ें अपने स्केच बुक में प्रैक्टिस की होगी और इसको फाइनल भी किया होगा अपने स्केच बुक के अंदर। जैसे कि आज हमारी क्लास थर्ड क्लास है, ठीक है। थर्ड क्लास में हमारा टॉपिक जो है वो है स्टिल लाइफ, ठीक है। स्टिल लाइफ में हम लोगों ने पहली भी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ असाइनमेंट्स किए हैं, आपको याद होगा अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे हम उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस की है। स्टिल लाइफ में कुछ ये इमेजेस हैं जो मैं आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी, ठीक है। जैसे ये जो वाली चीज़ है, जैसे हमारे पास स्टिल लाइफ है, स्टिल लाइफ के अंदर इन चीज़ों को हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे एप्पल्स आ गया, लेमन हो गया। इसमें हम लोग सिर्फ पेंसिल से शेडिंग्स वगैरह करनी है, इसकी लाइफ स्टडी करनी है, ठीक है। सेकेंड इमेज की तरफ आ जाते हैं हम लोग। सेकेंड इमेज भी इसी तरह है, इसी तरह है, इसके भी ऐसी चीज़ है, आपने इसकी लाइफ स्टडी करनी है, ठीक है। लाइट सोर्स को देखना है, टॉप कहाँ पर है, लाइट्स कहाँ पर आ रही है, ठीक है। किस तरह से इसको शेड देना है, किस तरह से शेड देना है इसको, ठीक है। इसी तरह थर्ड इमेजेस में भी हम लोग आ जाते हैं। थर्ड इमेजेस भी हमारे इसी तरह ही हैं, जैसे इसमें एप्पल आ रहे हैं आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा, इस तरह से ये सब चीज़ें, ठीक है। इसी में भी वही लाइट सोर्स आ रही है, कहीं पर हाई लाइट्स आ रही है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करनी है। इस ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो यही है कि हमने सब चीज़ की स्टडी करनी है, मतलब इसके लाइट्स आ रही है, कहाँ पर लाइट्स पड़ रही है, कहाँ पर डार्क टोन आ रही है, कहाँ पर मिडिल टोन आ रही है, तो आपने इन सब चीज़ की स्टडी करी, ठीक है। अब इन सब चीज़ों के बाद हम लोग आ जाते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड्स के पास। मटेरियल रिक्वायर्ड में हमारे पास जो चीज़ हमारे पास कंपलसरी है वो कौन सी है, वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास स्केच बुक, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास, सेकेंड जो यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एच बी यूज़ करनी है हम लोगों ने। उसके बाद बी पेंसिल यूज़ करनी है आप लोगों ने, टू बी यूज़ करनी है एंड फोर बी यूज़ करनी है। इसमें आप लोगों ने जो बी की जो चीज़ें आपको मोनो आर्ट यूज़ करनी है, मोनो आर्ट की पेंसिल आपके पास है तो आप लोगों ने वो वाली पेंसिल यूज़ करनी है, मोनो आर्ट वाली। मोनो आर्ट वाली भी नहीं होती आपके पास, कोई दूसरी पेंसिल होती है तो वो यूज़ करनी, ठीक है। इसके बाद आपके पास थर्ड, आपके पास रेजर होनी चाहिए, फोर आपके पास रूलर होना चाहिए, ठीक है। फाइव आपके पास शार्पनर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे पास कंपलसरी है, ये सब चीज़ें आपके पास लाजमी है, ठीक है। अब चले मैं आप आपको ये सब चीज़ें ड्रॉ करके और कलरिंग करके दिखाता हूँ, चलते हैं अपनी स्केच। क्लास फाइव स्टूडेंट, जैसे कि असाइनमेंट नंबर थ्री आपके एनवेलप्स में आपको इस तरह से रिसीव हुआ होगा, ठीक है। जिसका टॉप, जिसका नाम है, जिसका आइडिया का नाम है हमारे पास स्टिल लाइफ, ठीक है। स्टिल लाइफ में जैसे मैंने एक ये ऑब्जेक्ट आप लोगों के लिए चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बेसिक किस तरह से हम लोग इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी शेप्स, जैसे आप सबसे पहले इसके टॉप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये चीज़, ठीक है। देन सेकेंड हमारे पास ये पार्ट आएगा और थर्ड हमारे पास ये नीचे वाला पार्ट आएगा। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन लेंगे इस शेप की, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसकी शेप लेते हैं, जैसे ये चीज़ शेप आ रही है इसकी, ठीक है। ये चीज़ में आने के बाद ठीक है, तो
अब इसकी लाइटिंग के लिए हम लोग एक चीज़ निकालेंगे, ये जो इसकी आउटलाइन आ रही है ठीक है। अब लास्ट में ये कि इसका हम लोग इमेज को हम लोग देखें ठीक है, तो हमने सिर्फ शेडिंग करनी है ठीक है, हमने इस तरह से हैचिंग नहीं करनी है ठीक है। इसके लिए आप लोग पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं ठीक है, 2B एंड 4B ठीक है ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किसको शेड करेंगे, यहाँ से ये चीज शेड देंगे हम लोग ठीक ठीक है। आपने इस तरह से पेंसिल को राउंड अप करके इस तरह से शेड करना है ठीक है, सिर्फ लाइट एंड डार्क आप लोगों ने दिखाना है, इससे ज़्यादा सब ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी आप लोगों ने ठीक है। इस तरह से आपने राउंड पेंसिल इस तरह से मिक्सअप करनी है इसके साथ ठीक है, इसको लाइटर की तरफ लाइट की तरफ लेके चले जाना है। नीचे इसकी लाइन पे अपने इस तरह से पूरी आउटलाइन डार्क कर देंगे ठीक है। इसी तरह आपने इसको डार्क करते रहना, पूरी शेप इस तरह से आपने जिस तरह से मैंने गहरा शेड दिया इसी तरह आपने ये शेड इसी तरह से डाइगनली पेंसिल डाल के यहाँ पे इस तरह से लेकर आना इस तरह से इसके बीच वाले पार्ट को आपने इसी तरह जोड़ देना, आपने इसी शेड से इसको हाइलाइट देंगे सिर्फ लाइट रेडी करनी है इसकी चीज़ें की फेस पता होना चाहिए वैसे लाइट डार्क वगैरह ये सब चीज़ें
इस तरह से आपका फाइनल टच होगा, ठीक है। आप लोगों ने इसी तरह से करना है, इसकी फिनिशिंग, जो फिनिशिंग के बाद हमारे पास फाइनल जो टच होगा वो इसी तरह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए असाइनमेंट के साथ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।